नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज जो नई रिक्वायरमेंट आई हुई है वो MTS के लिए आई हुई है। आज मैं इस वीडियो में आपको इसी किसी डिटेल देने वाला हूँ। प्लीज फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान सरकार रिक्वायरमेंट 2017, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी टोटल जो पोस्ट है वो 57 है, यानी 57 इसमें टोटल पोस्ट है। UR के लिए इसमें 33 है, SC के लिए 7 है और ST के लिए 6 है और OBC के लिए 11 है। जिसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो उन्होंने मांगा है वो मेट्रिकुलेशन या ITI यानी कि 10वीं या ITI होना आवश्यक है, यानी कि एक चीज़ इनमें से होनी चाहिए, वो तो 10वीं हो या ITI हो। अगर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी स्टार्ट होने की तिथि है 15 नवंबर से शुरू हो चुका है। जो इसकी लास्ट डेट है सबमिट करने की वो 14 दिसंबर से पहले आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो इसमें एज लिमिट मांगा है 18 से 25, यानी कि 18 ईयर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 25 ईयर होनी चाहिए। जो ये गणना की जाएगी 14/12/2017 तक की जाएगी। जिसकी जो प्रोफाइल है वो MTS की सभी की सभी वैकेंसी है, पोस्ट जितने पद है MTS के लिए है। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी जयपुर राजस्थान रहेगी। जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है ऑल कैंडिडेट के लिए इसमें, यानी कि SC ST PH के लिए सभी के लिए 100 रुपये हैं, और अगर आप OBC और जनरल से बिलोंग करते तो 400 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। अगर आप अदर स्टेट से भी इसमें अप्लाई करते तो आपको फिर भी 400 रुपये देनी होगी, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से फिल करेंगे तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, यानी कि UR में आप काउंट किए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रिटन टेस्ट है, और जस्ट हाउ टू अप्लाई, आप इसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इनकी 14/12/2017 से पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और आपको ऑनलाइन सबमिट फिल करना है। अब नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेब पेज का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस वेब पेज पर नहीं आना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं, आपको इसमें सभी जानकारी मिल जाएगी कि जो सेंटर है इसके एग्जाम सेंटर जो होंगे वह कहाँ पर होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम सेंटर 12 नंबर पर दिए गए हैं, यहाँ पर अजमेर है। इसमें आपको रीड कर लेना है आपको डाउनलोड करने के बाद। और जो अप्लाई करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे आप। अब यहाँ पर अगर आपने पहले कभी इसका फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो नीचे वाला कॉलम है आपको जो फिल करना है MTS के लिए करना है, तो यहाँ पर MTS के ही कॉलम पर आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना होगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्टर करने के बाद आप एक के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है और लास्ट नेम देना है, यानी कि सरनेम नेम देना है। देने के बाद यहाँ पर फिल एड्रेस देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है। इसी प्रकार से आपको सभी चीज़ फिल कर लेनी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। आप अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम पर डे इस चैनल पर 2 या 3 वीडियो अपलोड करते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे